रही रात भर के जागल मिजाज लागता तनी दिया निरहुआ नाव सुनील सबही के तारे लुमाई भक्तन के अपने उबारे लुमाई विजैया प्यारे लाल। अरे ससुरा रतिया का कैसा नाला हो गई अरे। एक थे जो बुढ़वा होता है बोलता है अरे ना जानत वे अरे का बयाल अरे सरवा मंगरुआ के घरे में निरहुआ कूद गल। तो मात्र आदरणीय हमारे दिनेश लाल यादव जी, उनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है सर जी। हाँ अरे ठीक है, आज तू हमारा वह लोग इंटरव्यू ले आ हम कहती है कि आइयो बिंद्रा पीसीएल है अगर हमार तो हम लोगों के तो इनकी आवाज़ में बिल्कुल निकाल लेते हैं, कोई गीत भी गा लेते हैं, बातचीत भी उनकी आवाज़ में कर लेते हैं जी। तो ये कैसे संभव, मतलब आप प्रैक्टिस किए या फिर उनसे कभी मिले और वो कभी आपको वैसा जादू? नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल, अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में एक ऐसे कलाकार हमारे साथ मिल गए हैं जिनको आप जिस रूप में देखेंगे उसी रूप में मिलेंगे, अर्थात ये कई कलाकारों की आवाज़ निकाल लेते हैं। और बाकी मैं बहुत लोगों की आवाज़ सुना देखा लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर दिखा, लेकिन ये भाई साहब जो आवाज़ निकालते हैं कलाकारों की, उसे अगर उस जगह पर केवल इनका आप केवल आवाज़ सुनेंगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि क्या वो कलाकार यहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी कि ऐसा लगेगा कि जिस कलाकार की आवाज़ निकाल रहे हैं वो कलाकार ठीक वहीं पे खड़े होकर स्वयं वो बोल रहे हैं। तो इनसे पहले परिचय जानेंगे और इसके बाद बाकी बातचीत करेंगे। सर स्वागत है जी। नमस्कार, और आपका और आपके पूरे जितने व्यूअर्स हैं, जिसने सब्सक्राइबर जो आपके जितने परिवार है, आप सभी को मैं बिंद्रा पीसीएल की तरफ से आपका छोटा भाई सत्या हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन और प्रणाम करता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपना ये जो आवाज़ निकालते हैं तो किसी कलाकार की आवाज़ में हमसे बातचीत करिए। किस कलाकार को पहले इन्वाइट कर रहे हैं अभी? इनवाइट विशेष तौर पे मैं भोजपुरिया कलाकारों के से ताल्लुकात रखता हूँ और स्टेज प्रोग्राम और इस समय बिंद्रा पीसीएल में हम लोग शूटिंग भी कर रहे हैं लगातार, जो कि बिंद्रा जी के देख रेख में और हमारे पप्पू भाई हैं, सब पूरी टीम जो मिल कर के कुछ नया चीज़ें लेकर के आ रही है और दे भी रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी है। जिसे कि अगर आज हमारे भोजपुरी जगत को पूरा पहचान देने वाले, पूरा मान सम्मान उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले का अगर पूरे विश्व में एक डंका बज रहा है तो मात्र आदरणीय हमारे दिनेश लाल यादव जी, उनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है सर जी। हाँ अरे ठीक है, आज तू हमारा वह लोग इंटरव्यू ले आ हम कहती है कि आइयो बिंद्रा पीसीएल है अगर हमार तो हम लोगों के एक्टिंग देखे को होगा या वीडियो देखे को होगा तो आप हमारे बिंद्रा पीसीएल के चैनल पर जरूर जाइए और वह खूब सब्सक्राइब करब आ बहुत जल्दी एक ठे बढ़िया बढ़िया होली जो कि कई ठे कंटेन समन का छूट गल है। अच्छा। दो चार चीज जो बाटे आज देखी जा मन का जो आज यही पशु उठा ये कंटेन से रहा है एक वजह से हमके पहने के पड़ गल और बाकी सब ठीक है। विजय लाल यादव जी जो है नहीं, दिनेश लाल यादव की आप बात कर रहे थे, उन्हीं के आवाज में अभी कौन सा गाना जो बता रहे हैं कि एल्बम बिहाली में बिरहा का चालू हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि होली का मौसम भी चल रहा है इस समय? अब उनका गाना बहुत अच्छा लगता है सर, जैसे गाना था उनका उन्हीं की आवाज में जी, उन्हीं की आवाज में गाना था एक और मार हो जानवर कहवा कजर मर कहवा कजर मर कहवा कजर मर कहवा कजरवा और मर हो जान मर कहवा कजरवा। एक गाना उनका बड़ा हिट हुआ था, जैसे जब हम लोग शुरुआत किए थे इस प्रोग्राम लाइन में तो हम लोग जाते थे तो स्टेज पे तो सर्वप्रथम उन्हीं के गाना से हम स्टार्ट करते थे। गाना था अरे आई दुआरे बानी हे दे बीमाई रउआ से आपन का परचे बताई चूमे के चाहत खाली पाव निरहुआ नाव निरहुआ नाव सुनील सबही के तारे लुमाई भक्तन के अपने उबारे लुमाई विजैया प्यारे लाल देहला सहारा तोरे दया से भैली जन जन में प्यारा गाजीपुर तड़ावा में गाव
निरहुआ नाव निरहुआ नाव। अच्छा ये आप जो इतना अच्छा आवाज निकाल लेते हैं उन्हीं की आवाज बिल्कुल, तो ये कैसे संभव हुआ है सर? सर देखिए, चूंकि जब हम लोग बचपन से ही मेरे दिलों में बसने वाले आदरणीय हमारे विराज सम्राट नहीं बल्कि हमारे आज कहीं ना कहीं दिनेश लाल जी आज इतने ऊंचाई पर हैं, तो आदरणीय हमारे विराज सम्राट विजय लाल यादव जी की बहुत बड़ा योगदान है और आदरणीय हमारे प्यारे कवि जी इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं विजय लाल यादव जी का बहुत पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उनकी स्टाइल बड़ा अच्छा लगती है। उनकी एक दो चार फिल्में भी, जो मैं एक फिल्म आई थी भैया के ससुरारी में, तो प्रमोशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था निखिल इंटरटेनमेंट, जो कि आदरणीय हमारे पूर्व जो ये विधायक हुआ करते हैं सुभाषवासी जी के बैनर से वो फिल्म आई थी, उसमें गाना था और जवन मजाना बक्सर बलिया आई छपरा शहर बाजारी में बहुत मजा रे बहुत मजा भौजी के नैहर भैया के ससुरारी में अरे कहुनो साली पजराया के अरे जीजा जीजा कहली कसिया मट केसिया झटके खूब मटके दहिया ऊपर ढली। तो इनका जो स्टाइल है गाने का, हम लोग खड़े थे तो थोड़ा सा स्टूडियो में थे, आप लोग को पता था कि मैं इनके स्टूडियो में आया था और बिजली चली गई, लेकिन फिर से दोबारा हम लोग जो है मैनेज कर लिए हैं और बातचीत हो रही थी विजय लाल यादव के, जो कि अभी उनका आवाज़ में उन्हीं के कुछ बात बता रहे थे, तो आइए हम फिर से जानते हैं सर जी। वही तो जो है उनका हर एक स्टाइल जो है जी बहुत अच्छा लगता है सर जी का। अच्छा, एक एक उनका गाना था बिरहा में एक छोटा सा मुखड़ा है और हम लोग बड़ा प्रैक्टिस करके उस चीज़ को कोशिश किए। जैसे कोई एक मिलिट्री वाला है वो बोलते हैं कि कौनो मिलिट्री वाला का पता चलल भैया शादी भैला शादी के दिन जब सुहाग रात मनावे गल तो पता चलल कि काल ड्यूटी बजाए के हो, तो गल घर में लगल कल ऐसन करा कि जल्दी आवा नहीं तो काल हमें ड्यूटी बजाए के हो। जो टेरिया वाला बोलेंगे कहीं से जाए के है, तो गाना था उनका गाए थे और हाई रात भर के जागल मिजाज लागतनी दियावा बुझा दी हमके लाज लागता ए पिया अरे मनबा न बात तो केवाड़ी जाके खोल दे आ पूछ हो जे सासू जी तो साचे साचे बोल दे। तो ऐसा ही होता है सर उनका कोई भी जो गाने का है बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और एक विनय बिहारी जी जो थे उस समय, मतलब कि हिंदी कई भोजपुरी फिल्मों में उनका गाना है उड़ने के रंग पियर हर जादू चला रहल बा लागत बा जैसे खेतवा में सरसों फूला रहल बा। ये ऐसा ही सर। अच्छा ये आप दिनेश लाल यादव और विजय लाल यादव इनकी आवाज़ में बिल्कुल निकाल लेते हैं, कोई गीत भी गा लेते हैं, बातचीत भी उनकी आवाज़ में कर लेते हैं जी, तो ये कैसे संभव? मतलब आप प्रैक्टिस किए या फिर उनसे कभी मिले और वो कभी आपको वैसा जादू दे दिए? सर देखिए, जब से हम लोग बचपन में जब से छोटे हैं छोटे थे जब हम खेलने लगे अपने से, तब तक कहीं ना कहीं इनके गीतों के छत्र छाया में इनके अभिनय के छत्र छाया में हम लोग का बचपना जो है कि बीता है, तो बड़ा दिल के करीब ये लोग थे। और देखिए एक वो कलाकार थे जो है वीरेंद्र चौहान जो चड्डी वाले निरहू जी हैं, उनका भी आवाज़ निकाल, तो उनका गाना गाए थे सुरेंद्र सुगम, तो हम लोग क्या जानते थे कि कौन गाता है कौन एक्टिंग करता है, अभी तो पता चल गया कि नहीं भाई गाता कोई और एक्टिंग और करता है। तो उसमें दो बुढ़वा रहते हैं, एक गिरजुआ रहता है एक और रहता है, तो एक बुढ़वा से बोलता है अरे कार्य गिरजुआ अरे ससुरा रतिया का कैसा नाला हो गई अरे,
तो एक थे जो बुढ़वा होता है बोलता है, अरे ना जानत वे, अरे का बयाल, अरे सर बाबा गरुआ के घरे में निरहुआ कूद गल रे। तो मैं गाना रहा सर जी, लड़कियाँ बोलती है बुढ़वा को कपड़ा वपड़ा देती है तो घूमता है बुढ़वा, जब घूमने जाता है तो उसको बोलती है इधर आओ इधर आओ। तो गाना है कि मोरी साड़ी कचार, मोरे साया कचार, आ मोरे चेस्टर में साबुन लगाओ बुढ़वा, मैं तो हरी बुढ़ोती बनाई दूंगी। तो अब बुढ़वा का हालत खराब हो जाता है, बुढ़वा बोलता है अरे निरहुआ, अरे हम ना कहले बियावा तो ही लेके जोरे। तो अब सुरेंद्र सुगम जी गा रहे हैं लेकिन अभी ना वीरेंद्र चौहान निरहु जी का है, कहिए कि अरे नहीं बाबू जैसन कहले होगा तो वो गा रहे हैं, अरे बाबू मन लाना बात अब खाजू तालात, तब बाबू मन लाना बात अब खाजू तालात, त चला साना पीसनवा कठवती में तुहार लिख गई दुर्गत बुढ़ौती में। ऐसे सर थोड़ा आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि होली का माहौल चल रहा है इसलिए थोड़ा सा मिजाज बनाया जा रहा है, और बाकी तो मौसम के अनुसार सभी लोग इस मिजाज में जो है जरूर 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 सर। देखिए अभी होली का सूट है और आज फाइट सीक्वेंस है, तो उसमें देखिए अभी ये पहने हैं, अभी सब ब्लड वलड लगाया जाएगा, सब विलेन लोग तैयार हो रहे हैं मारने के लिए। जी वही बिंद्रा पीसीएल से जो कि आज बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन है।